पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या अस्पताल, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है। आज भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। येनद कुड़म्ब में हमारी सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। पिछले एक साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। इससे त्रिची सहित आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में निवेश के, नए बिजनेस के नए अवसर भी बनेंगे। यहां एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म के सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। यहां एयरपोर्ट की कैपेसिटी तो बढ़ी ही है, इसको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने वाले एलिवेटेड रोड से भी बहुत सुविधा होगी। मुझे खुशी है कि त्रिची एयरपोर्ट लोकल कला संस्कृति से, तमिल परंपरा से पूरी दुनिया को परिचित कराएगा।